हमें तो फटाफट खोल के इंदौर में शुरू कर दें अपन, देर नहीं होनी चाहिए। सभी प्रतिष्ठित 10 संस्थाओं का मैं हृदय से आभारी हूं जिनके साथ MOU हुआ है, और स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के निर्माण के लिए इनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नरहरि जी ने अभी बताया, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा कि क्या क्या काम वो करेंगे। देखिए, हमारा कमिटमेंट है ये। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, रोड मैप हमने तैयार कर लिया। PM साहब ने कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2026 तक, तो हमका $5 ट्रिलियन के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बना देंगे 2026 तक। और बनाना है भाई, बिना बनाए रुकना नहीं है, उसके लिए कई तरह की गतिविधियां हमको करनी होगी। मुझे बताती हुई खुशी है मेरे प्रिय मित्रों, करंट प्राइजेज पर हमारी विकास दर मध्य प्रदेश की है 19.76%, देश में हम सबसे आगे हैं। आज हमारी GSDP का साइज जो कभी 3.5 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था, आज है 11.5 लाख करोड़। भारत की GSDP में हमारा योगदान था पहले 3.56, अब हो गया 4.56। पर कैपिटल इनकम थी हमारी 13,000, अब हो गई 1,37,000। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है, और तेजी से आगे बढ़ना है, उसलिए हर सेक्टर पर हम ध्यान दे रहे हैं। आज हम यहां बैठे हैं स्टार्टअप्स के लिए, कल हम बेंगलोर में होंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी होंगे, IT के लिए भी होंगे, दूसरे अलग उद्योगों के लिए भी होंगे। इसके पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हम पुणे हुआ है, दुनिया भर के लोगों से वर्चुअली भी हम संवाद कर रहे हैं, और इसी अपने अद्भुत इंदौर में अनेकों आयोजन अभी संपन्न होने वाले हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, उसके बाद फिर जी हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 के देश भी आने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होने वाले हैं, और हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ाना तो खेती में कितनी बढ़े, इंडस्ट्री में कितनी बढ़े, MSME में कितनी बढ़े, IT में कितनी बढ़े। IT की हमारी पॉलिसी भी पूरी तैयार है, लेकिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से हम बढ़ावा देना चाहते हैं। अरे, अपने बच्चे इतने चमत्कारी है, कल्पना नहीं कर सकते लोग। अब इंदौर में मैं समझता हूं कितने 1400 स्टार्टअप्स हो गए, पूरे 2500 हो गए मध्य प्रदेश में, 2500 हो गए। और इंदौर तो इंदौर है, लेकिन आपको पता नहीं है कस्बों के बच्चे भी धूम मचा रहे हैं हमारे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कितना टैलेंट है जी हमारे यहां। छोटे छोटे कस्बों के बच्चे स्टार्टअप्स प्रारंभ कर रहे हैं, और हमारे इन बच्चों को, इस टैलेंट को, इस प्रतिभा को अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए तो मध्य प्रदेश चमत्कार कर देगा, ये मेरा दावा है। और वो चमत्कार होगा, अब कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ, देखिए बेटी, क्या नाम है आपका? अब देखिए, मैंने कहा और मेरी बेटी खड़ी हो गई। गांव कौन सा है आपका? हाँ, सिरगम्मा। अब मैं तो कस्बों की हिम्मत करके कह रहा था, तो गांव से आइए बेटी, ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए बेटी, ड्रिंक मुझे भी देना थोड़ा। अभी नहीं, कार्यक्रम के फूल। ठीक है बेटी, देखिए आप अब ये कल्पना कीजिए कि छोटे गांव से भी उभर के हमारे बच्चे स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं।
अपने जी जान से हम ये प्रयास करेंगे कि इनको हर तरह का सहयोग हम कर पाए। और आज ये एमओयू इसीलिए हुए, इकोसिस्टम एनवायरमेंट ऐसा बन जाए कि पूंजी से लेकर बाकी सब सुविधाएं इन बच्चों को मिल जाए। और इंदौर में आपने देखा होगा 15 अगस्त से हमने शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था 15 अगस्त के बाद ये तीसरा कार्यक्रम नवंबर में है स्टार्टअप्स का, अकेले स्टार्टअप्स का कह रहा हूं मैं। एक प्रधानमंत्री जी के साथ किया था, स्टार्टअप पॉलिसी हमने जारी की थी। पहला हमारे साथ, हमारे साथ तो बाद बाद करते ही रहेंगे। ये इस इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हैं कि करना ही है, दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। और इसलिए आज जो एमओयूज हुए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी 10 संस्थाओं का हृदय से आभारी हूं, आपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं और मध्य प्रदेश पर जो स्नेह प्रदर्शित किया है हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप सबका सहयोग लेते हुए हम स्टार्टअप्स के हमारे अभियान को लगातार आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इन संस्थाओं के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और भी जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। अब जैसे मैंने अभी कहा चावड़ा जी से कि हमारा स्टार्टअप पार्क बनेगा, समय लगेगा लेकिन ऑफिस वगैरह अभी से हो जाए तो प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए कि जिसमें फटाफट, अब देखो ये कह रहे 15 दिन में ही कर देंगे तो तालियां बजा के चावड़ा जी का विश्वास है। फिर नारीमा सारी सुविधाएं जुटानी, केवल ऑफिस खोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है तो बाकी सब चीजें टाई अप करें। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं केवल यहां नहीं, जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको, कि अपने आप को कभी रोकना मत। टैलेंट है, प्रकटीकरण होने देना। हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पास बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, आइडिया है, उसके लिए पूंजी से लेके बाकी सब सहयोग हम करेंगे, मामा करेगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। मिलके आगे बढ़ेंगे, अपना प्रदेश मिलके आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर सभी 10 संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं और बच्चों को फिर प्रोत्साहित करता हूं। एक अपने पास ये व्यवस्था भी करें कि बच्चों के और हमारे बीच में दूरी एक फोन कॉल की होना चाहिए, ईमेल की होना चाहिए। ईमेल मतलब ऐसा नहीं हो कि नहीं तो फिर ढूंढते ही रहे कहां जाए। और इसलिए हम कोशिश ये करें कि ईमेल आए, खोल के देखें और बच्चों को तुरंत रिप्लाई करें। और कैसे सहयोग हो सकता है, दिक्कत आए तो मुझे भी बताएं कि आइडिया ये है, दिक्कत इसमें ये आ रही है, तो सारी बाधाएं दूर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए, सब मिलकर जुटे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बनाए जिसमें इंदौर का अपना अलग स्थान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश को खुशहाल, समृद्ध, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए आइए हम सब जोरदार तालियों से अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं हमारे प्रदेश की बेटी, होनहार बेटी, जिन्होंने